Hello friends, you are watching Sri Ananta Tutorials. Today I am going to teach you about the verb. Okay, तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले उसकी definition देखेंगे. A verb is a word used to tell something about a person or thing. यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है English में, आपको मैं हिंदी में समझा देती हूँ. जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं. वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं. ठीक है, अब यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं इसका. शी रीड्स अ बुक. ठीक है, अब यहां पे क्या है, वो बुक पढ़ती है. तो रीड्स यहां पे आपका हो गया वर्ब. वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है. द टेबल इज सोल्ड. अब सोल्ड क्या है, बेच दिया गया है. ठीक है, बेचा गया. तो यहाँ पे सोल्ड क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा. राम राइट्स अ लेटर. राइट्स वर्ब. द बॉटल इज ब्रोकन. ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रोकन वर्ब हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब क्या हो गई, आपकी क्रियाएं हो गई. अब काइंड्स ऑफ द वर्ब, कौन कौन सी काइंड होती है, कितने प्रकार के होते हैं. ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर वर्ब के दो भेद होते हैं. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या हुआ, अब ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, अब ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया. आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो वही आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया को क्या बोला गया, ट्रांसिटिव वर्ब. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. ये सब आप notes बनाइए और उसमें आप लिखते चलिए और आपको clear भी होता चलेगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ. अब क्या हुआ, एक short में आप ये भी देख सकते हैं, जिस क्रिया का कर्म होता है. ठीक है, कर्म मतलब हमने पहले ही बताया हुआ है object, उसे क्या बोला जाता है, transitive verb कहते हैं. अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अभी मैं आपको आगे उसका बताऊंगी क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, सीता कुक्स फूड. अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो फूड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पे क्या हुआ, कुक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा. क्लियर, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, शी राइट्स अ लेटर. अब राइट्स क्या हुआ यहाँ पे, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ. और लेटर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब तो आपने पढ़ लिया, तो उसमें एक और चीज होती है जिसमें आप ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांसिटिव है कि इनट्रांसिटिव है. तो वर्ब से क्या, किसे या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है. तो आप जब उसमें कोई भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो आपको जब ऑब्जेक्ट मिले तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव. इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, कहीं कहीं पे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो वहां पे ट्रांसिटिव वर्ब हुआ. अब इनट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, नेक्स्ट देखिए, इनट्रांसिटिव वर्ब. An intransitive verb is, इसे हिंदी में क्या बोला गया, अकर्मक क्रिया. ठीक है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है. यहाँ पे क्या हुआ, An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. यहाँ पे क्या हुआ, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे इनट्रांसिटिव, और जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहां पे ट्रांसिटिव वर्ब होता है. क्लियर, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज को लेके, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांसिटिव कहाँ हो पाएगा और इनट्रांसिटिव कहाँ पे होगा. जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल ले लीजिए, शी लाफ्स. शी लाफ्स क्या हो गया यहाँ पे, इनट्रांसिटिव हो गया. राम इज रनिंग देयर, ये क्या हो गया आपका, रनिंग जो है वो इनट्रांसिटिव वर्ब है. लाफ्स यहाँ पे क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक है, कुछ सकर्मक क्रियाएं, अब जो मैं ट्रांसिटिव वर्ब की आपकी बात कर रही थी, ऐसी होती हैं जिसके साथ दो कर्म होते हैं. मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, दो कर्म, दो कर्म एक सेंटेंस में, दो कर्म आए.
अब आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है कि ये है, तो उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। अब आप पहले एक एग्जाम्पल लीजिए। रामा गेव मोहन अ बुक। राम ने क्या दिया, यहाँ पे क्या करके क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो एक पुस्तक दिया है, अ बुक। अ बुक क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, राम ने किसको दिया है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है कि किसको दिया है। एक तो हो गया आपका ये वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या हो गया, मोहन को दिया है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। तो व्यक्ति प्रकट किया है, जहां पे व्यक्ति प्रकट किया गया वहां पे क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब वस्तु को प्रकट किया गया है, कोई गुड्स बताई जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे तो आपका क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिख दिया है आपके लिए, व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपने ये जैसे सेंटेंस लिया है, राम गेव मोहन अ बुक, अब यहाँ पे गेव क्रिया हो गई आपकी, लेकिन नेक्स्ट आपका क्या हुआ, मोहन और बुक, एक यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हुआ। अब आपको चॉइस चूज करने के लिए आएगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो आप क्या उसमें देखेंगे कि मोहन क्या है आपका, क्या होगा, क्योंकि ये व्यक्ति प्रकट कर रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और बुक क्या होगा, ये वस्तु प्रकट कर रहा है तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसे आप पहले पूरा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसका नोट्स बनाइए और उसे क्लियर करिए। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जैसे जैसे मैं आप वीडियो डालती जाऊंगी लेक्चर्स के, वो आपको तुरंत ही मिलते भी जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।